वंस अगैन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। अभी हम आ चुके हैं किसान पथ पे। सामने आपका ये किसान पथ आउटर रिंग रोड है और प्रोजेक्ट का नाम है नॉटिंगम होम्स। आप देख सकते हैं जैसे कि ICICI बैंक, यूको बैंक और से अप्रूव्ड है। और सामने आप देख सकते हैं LDA का बोर्ड भी लगा हुआ है, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र। और किसान पथ पे ये जो एरिया लगता है मलुकपुर ढकवा लगता है, SBI से भी अप्रूव्ड है। हमारे जो व्यूवर्स SBI में हैं, बैंकर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। SBI से अपना स्टाफ लोन ले सकते हैं, PNB से भी अप्रूव है ले सकते हैं और बाकी बैंकों से भी अप्रूवल्स आ रहे हैं। तो इस पर टाइम टाइम पे मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों एक 1.5 महीना हो गया, तो हमने कहा चलिए देखा जाए। हमारे जिन व्यूवर्स ने यहाँ पर फ्लैट बुक किए हैं वो दूर हैं, उनको दिखाया जाए कैसा क्या काम हो चुका है पर्टिकुलर टावर्स में। तो आपको बता दूं ये प्रोजेक्ट LDA अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, सरकारी बैंकों से अप्रूव्ड है, आपने बोर्ड दिखा। किसान पथ पे है, इस तरफ आपका सुल्तानपुर रोड है, हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर पे होगा। पैरल आप जाते हैं इसी रोड पे तो एक्सेला कुटुम पड़ता है, उसके बाद सुल्तानपुर रोड पड़ता है। और लेफ्ट हैंड जाएंगे सुल्तानपुर रोड जाएंगे, राइट हैंड चले जाएंगे तो आप अंसल गोमती नगर जंक्शन यहाँ चले जाएंगे। तो बेस्ट वो इन्वेस्टमेंट है, आने वाले 3 से 4 सालों में आपको यहाँ परिसर देखने को मिलेगा। 1 और 2 BHK के कॉन्फिग्रेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 BHK 2 BHK 1 और 2 BHK को हम मर्ज करके 3 BHK भी आपको बड़ा साइज यहाँ देखने को मिल जाता है। सामने आपका टावर है। अभी यहाँ जो काम की पोजीशन है फ्रेंड्स, आपका जो फाउंडेशन का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, बेसमेंट का वर्क आपका वो कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर की तरफ काम बढ़ रहा है। फर्स्ट फ्लोर की स्लैब डाली जा रही है और बहुत जल्द आने 2 से 3 महीने में इसका भी काम पूरा हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको फुल स्विंग में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम यहाँ ग्राउंड लेवल से आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया बेसमेंट का वर्क इस पर्टिकुलर टावर में हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर हम बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड ये 2 BHK का सैंपल है और वहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर के लिए स्पेस यहाँ पे दिया जाएगा फ्लैट में। तो काफ़ी वाइड डोर आपको देखने को मिलता है, दरवाजे की हाइट भी काफ़ी अच्छी है और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप इसको। और इससे पहले भी यहाँ पे वीडियोस मैंने कवर किए हुए हैं दोस्तों। अभी आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट आपने देखा, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ये ड्राॅइंग का स्पेस यहाँ से मिल जाता है, ये ड्राइंग का स्पेस, फिर वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी स्पेशियस बालकनी और ये डाइनिंग। तो अगर आप देख रहे हैं बड़े साइज़ का 2 BHK 1245 स्क्वायर फीट है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये बालकनी। बालकनी का स्पेस और यहाँ पर ये डाइनिंग आप कर लेंगे, अच्छी खासी कई डाइनिंग आ जाएगी 6 से 8 सीटर की। किचन आप देखिए, ओपन किचन आपको 2 BHK में मिल रहा है, जहाँ पे आपको इस तरह से स्लैब और सिंक लगा होगा, वेंटिलेशन के प्रॉपर वहाँ पे विंडो है। स्पेशियस किचन आपको देखने को मिल जाता है 1245 में, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है। ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस आप देख सकते हैं, मैं यहाँ कॉर्नर पे खड़ा हूँ, बहुत बड़ा स्पेस है। फिर अब हम बेडरूम्स को देख लेते हैं। ये पहला बेडरूम हो जाएगा, और इस टाउनशिप में हर तरह की एमिनिटीज़, लग्जरी एमिनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पर आप इसे स्टोर बना सकते हैं अपना, काफ़ी बड़ा यहाँ पर। वार्डरोब स्पेस बना सकते हैं दोस्तों आप लोग, और ये अटैच वॉशरूम आ जाएगा, यहाँ पर विंडो। तो ये पहला बेडरूम हो गया, ये कॉमन वॉशरूम आ जाएगा, इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। और ये दूसरा बेडरूम, और यहाँ पर वार्डरोब के लिए हॉलो स्पेस रहेगा, ये सेकंड बालकनी। दोनों ही बालकनी आपको काफ़ी अच्छी स्पेशियस देखने को मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बालकनी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर।
तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लखनऊ में, काफ़ी अच्छा सैलरी प्लान आपको मिल जाता है, 3 साल 3.5 साल का टाइम मिल जाता है आपको यहाँ पर। धीरे धीरे आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं सेल्फ पेमेंट, या आप बैंक लोन के थ्रू जाना चाहते हैं तो बैंक सकते हैं दोस्तों। तो हर तरह के दोनों ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं।